नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रमोद वाघ फिर से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे दो शब्दों के बारे में, अंतर क्या है और लोगों को ऐसा लगता है कि दोनों का अर्थ गठन जो है एक ही है, वो है एटीट्यूड और बिहेवियर। जी हाँ दोस्तों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर। आमतौर पर लोग यही सोचते हैं एटीट्यूड और बिहेवियर दोनों एक ही उसका मीनिंग है, एक ही अर्थ है उसका, लेकिन ये सही नहीं है। दोनों का अंतर है, दोनों के बीच में अंतर है। एटीट्यूड मतलब परिस्थिति को देखने का नजरिया। एज फॉर एग्जांपल, कोई एक व्यक्ति है, उसके जीवन में कोई कठिनाई है, कोई परेशानी है, कुछ दिक्कत है, तो वो जो परिस्थिति है उसके जीवन में, उसको वो व्यक्ति किस नजरिए से देखता है, दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड। उस परिस्थिति को वो कैसे टैकल करता है, किस दृष्टिकोण से देख के उसको बिहेव करता है उस परिस्थिति के लिए, दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड। और बिहेवियर मतलब हम किसी व्यक्ति के साथ में जो व्यवहार करते हैं वो है बिहेवियर। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर। सो आई होप दोस्तों ये चीज आपकी क्लियर हो चुकी होगी कि एटीट्यूड और बिहेवियर का अर्थ क्या है। एटीट्यूड मतलब परिस्थिति को देखने का हमारा दृष्टिकोण, उसकी तरफ हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड। और बिहेवियर मतलब हम किसी व्यक्ति के साथ में कैसा व्यवहार करते हैं, वो है बिहेवियर। सो दोस्तों, मिलेंगे हम नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। सो तब तक हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।